वेलकम गाइस, बैंडी ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑडियो टैग और वीडियो टैग देखा था। हम लोग फार्म हैंडलिंग पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य की वजह से हमें वीडियो को वहीं रोकना पड़ा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग सीखेंगे कि कैसे हम HTML में किसी फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको फॉर्म में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जैसे अगर कोई फील्ड नहीं भरा हुआ है, विदाउट फील्ड वो सबमिट ना हो, एक एरर मैसेज दे। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म हैंडलिंग के, जैसे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फॉर्म। गाइज, हमने आपको पूरा फॉर्म पढ़ाया हुआ है और उसी फॉर्म में जो जो हमें एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, जो HTML5 में आपको आपके फीचर्स को अच्छे बनाने के लिए, फॉर्म के अच्छे फीचर्स को बनाने के लिए यूज होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है, जैसे यस या नो होता है। बुलियन मतलब क्या होता है? बुलियन इट मीन्स आपको दो चीज़ों में चूज करना हो, या तो यस या तो नो। इसी तरह अगर आपके फील्ड जो इनपुट बॉक्स बना हो, उस इनपुट बॉक्स में अगर फील्ड भरा हो, मतलब कंटेंट हो तो सबमिट हो, ना हो तो ना हो, एक मैसेज आ जाए, तो उसी को लिखा है द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइड दैट इनपुट फील्ड मस्ट बी फील्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। गाइस, चलिए हम इसको साथ साथ देखकर भी चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्या लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाया। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम बना रहे थे, हमने आपको दिखाया था कि हमने क्या किया, इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया, नेम कुछ भी दे दिया, यूज़र नेम क्या होता है, नेम एक्चुअली यहाँ पे तो यूज़र समझ जाता है। अगर हमने यहाँ पे डाल दिया क्या नेम, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, तो यूज़र समझ जाएगा कि क्लाइंट हमारा कि ये नेम के फील्ड के लिए है, लेकिन सर्वर की समझ में तो ये नहीं आएगा ना। तो सर्वर ये समझता है अच्छा ये यूज़र नेम है, यूज़र है मतलब यूज़र नेम फिल करना है। यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया रिक्वायर्ड इस्तेमाल किया। अब जैसे हम इसको रन कराते हैं, चलिए हम अपने वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स जो है वो क्या है, अभी ब्लैंक है। अब अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो देखिए ये आपके पास आ रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब बिना इसको आप फिल किए नहीं। तो अगर हम इसको कुछ भी फिल कर देते हैं, अब हम सबमिट करते हैं तो ये देखिए सबमिट हो गया। ठीक, इसको आप रिफ्रेश करके एक बार फिर से देख सकते हैं कि हम कुछ भी अगर यूज़र में यहाँ पे अगर हम जब तक कोई फील्ड नहीं भरेंगे तब तक ये क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। और जैसे ही सबमिट होगी, यहाँ पे दे दिया यूज़र इक्वल टू आशीष, सबमिट इक्वल टू सबमिट, यूज़र में यहाँ पे आशीष भरा गया था और सबमिट बटन को हिट किया गया था, यानी सबमिट किया गया, और ये फॉर्म आपका क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो पहला जो एट्रीब्यूट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक, अब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसको भी हमने लिख दिया है कि दिस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप, जैसे टेक्स्ट में कर सकते हैं, सर्च में कर सकते हैं, URL कर सकते हैं, टेल में कर सकते हैं। टेल क्या होता है, ये टेलीफोनिक नंबर के लिए होता है, ये जो मोबाइल नंबर और नंबर लिखते हैं ना, उसके लिए इनपुट टाइप अगर हम टेल लिख देते हैं तो वो नंबर के लिए लेगा। ईमेल हो गया, पासवर्ड में हो गया, डेट पिकर में हो गया, नंबर में हो गया, चेकबॉक्स में हो गया, रेडियो में हो गया, और फाइल में हो गया, फाइल अपलोड। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट की। पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है? गाइस,
पैटर्न एट्रीब्यूट आपका होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जिसको हमें देना पड़ता है। पैटर्न एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, मतलब जो हम डेटा इनपुट करना चाहते हैं वो कौन से पैटर्न का होगा, किस पैटर्न का होगा, ठीक उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गाइज इस पे चर्चा हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे अभी एक एग्जांपल करके कि कैसे पैटर्न एट्रीब्यूट काम करता है, लेकिन इसको हम लोग जावा के थ्रू और बढ़िया इसको देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे पैटर्न यूज़ करेंगे हम लोग। तो जावा के थ्रू हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको बनाने होते हैं, ठीक है, अब उस एक्सप्रेशन को करना होता है। तो चलिए हम लोग इटर पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, रिक्वायर। अब यहाँ पे चलिए हम लोग एक दे देते हैं क्या, पैटर्न। पैटर्न हमने दिया, अब हमें यहाँ पे पैटर्न देना होता है। अब पैटर्न देने के लिए आप क्या करोगे, पैटर्न देने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा ब्रैकेट के अंदर, हम स्मॉल ए टू जेड कर देते हैं, ठीक, प्लस और डाल हमने लगाया। अब इसको हम सेव करते हैं, वापस इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। अब गाइस इस पैटर्न का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। इस पैटर्न का मतलब है कि इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में, इस फाइल में जो भरा जाना है वो स्मॉल लेटर ए टू जेड होगा, इससे अदर चीज़ें वो नहीं लेगा। यानी ये जो साइन हमने लगाया है ऊपर तीर, इसका मतलब होता है कि फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग कहाँ से होगी, ए से जेड तक, और कहाँ जाएगी, डॉलर, मतलब लास्ट तक जाएगी जेड तक, ठीक है। तो ये होता है आपका पैटर्न। अब चलिए ये वर्क कैसे करता है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर कुछ भी डालते हैं, हमने ये डाला, अब यहाँ पे देखिए ए टू जेड दिया है हमने, लेकिन बीच में सेमी कॉलन भी लगाया। अब ये सबमिट नहीं करेगा, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, यानी कि आप केवल ए टू जेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें ए एस डी एफ जी एच कुछ भी लिख दिया, अब हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूज़र में हमने इनपुट में क्या डाला, ए एस डी एफ जी एच, ठीक, तो ये सबमिट हो गया। अगर यहीं पे कहीं अगर हमने कैपिटल इस्तेमाल कर दिया होता, चलिए अब कुछ हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर भी वही आपका एरर देगा कि जो आपने रिक्वेस्टेड फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। आपका पैटर्न ए टू जेड है, लेकिन यहाँ पे यूज़र को तो पता नहीं है ना कि कौन सा फॉर्मेट है, ये तो हम समझ रहे हैं कि ए टू जेड चूँकि हमने दिया हुआ है, लेकिन यूजर इसको नहीं समझ रहा है। चलिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल के देखते हैं कि नंबर इनपुट होता है, यहाँ पे भी वही समस्या है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट यही होता है। गाइज आप लोगों ने एक फॉर्मेट देखा होगा कि वो पासवर्ड बनाने के लिए आपको देते हैं, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद आपका पहला आपका कैपिटल लेटर में, उसके बाद स्मॉल लेटर में होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ऐसा करके तब आप पासवर्ड बनाते हो। तो वो सारी चीज़ें आप पैटर्न के थ्रू ही करते हो, और इसीलिए हमने कहा कि हम आपको पैटर्न जावा में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग समझ गए कि पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ कि जैसे अब हमें तो पता है कि हमें जो लिखना है वो ए टू जेड लिखना है, लेकिन यूज़र को नहीं पता है। तो यूज़र को बताने के लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है टाइटल।
अब टाइटल में हम देंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल में दे देते हैं ए बी सी डी ई, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे कैपिटल में डाला, कैपिटल में इनपुट किया, तो ये दे देगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्म। में टाइटल नहीं है भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई। चलिए एक बार और रन करा के इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया ना आपका एग्जाम्पल ए बी सी डी ई। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल लेटर, या आप लिख भी सकते हो कि फिल इन स्मॉल लेटर, तो इससे यूज़र को पता चलता रहे। वो सेव नहीं हुआ था इसलिए आपका रन नहीं किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिल इन स्मॉल कैप, ठीक। अब इसको हम सेव करके वापस रन कराते हैं। अब यहाँ पे ये पहला अक्षर कैपिटल में है, ये देखिए फिल इन स्मॉल कैप, यानी ये स्मॉल कैप में ही लेगा, स्मॉल लेटर में ही लेगा। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सारे लेटर स्मॉल में है और ये सबमिट हो गया। ओके गाइस, तो ये था आपका पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट के साथ साथ हमने उसमें एक और आपको बता दिया, टाइटल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, पैटर्न एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आप देख लीजिए। नोट में हमने लिखा हुआ है कि द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप, टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट के साथ हमने किया ही है। डेट के साथ आप कर सकते हो, डेट का फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक, कि पहले मंथ रहेगा, ईयर रहेगा। सर्च के साथ कर सकते हो, यूआरएल मतलब कोई आप लिंक दे रहे हो उसके साथ कर सकते हो। टेलीफोनिक नंबर, जो आपके नंबर्स फॉर्मेट होते हैं उनको दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, पासवर्ड में दे सकते हो। ओके गाइस, अब इसके बाद हम लोग जो बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने सिंटैक्स भी लिख रखा है कि इनपुट टाइप आपको क्या देना है, टाइप में जो भी आप दोगे पैटर्न में वही आएगा। इनपुट आपको टाइप देना है, टाइप के बाद पैटर्न देना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या होता है गाइस? ऑटो फोकस एट्रीब्यूट होता है कि ऑटोमेटिकली उस फील्ड को फोकस करना, ठीक। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये फोकस में नहीं आएगा, तब तक मतलब इसको हमें नहीं दिखेगा। जैसे हम बाहर क्लिक कर दिए, अब हम इस पर क्या लिखें, कुछ नहीं, कहाँ लिखें कुछ नहीं। लेकिन ऑटो फोकस जैसे हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस हमने कर दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक हमने इसको क्लिक नहीं किया, लेकिन कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इस पर हम कुछ भी लिखें, अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। और जैसे सबमिट करेंगे तो भी ये आपका कर्सर वहाँ पे फोकस्ड रहेगा, दिखता रहेगा। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना। तो ऑटो फोकस जो होता है ये ऑटोमेटिकली फोकस करता हुआ है आपके इनपुट टाइप, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, सिंपल सा है,
जो भी आप टाइप में जहाँ भी आगे आपको एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, यहाँ पे इनपुट दे दिया है, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, ऑटो फोकस। तो ये आप समझते रहिएगा, बाकी हमने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। अब हम क्या करें, देखने वाले हैं इनपुट टाइप ईमेल या ईमेल एट्रीब्यूट। तो इसको जहाँ पे टाइप हम टेक्स्ट डालते थे, अब वहाँ पे हम टाइप क्या डालेंगे, ईमेल। ठीक, अगर हम ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो हम ईमेल एड्रेस के लिए कौन सा टाइप इस्तेमाल करेंगे, ईमेल इस्तेमाल करें। चलिए हम आपको दिखा दिए हैं कि कैसे हम लोग ईमेल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब हमने यहाँ पे दे दिया है नेम हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़िया बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ओके, यहाँ पे हम बी आर टैग लगाते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने लिखा ईमेल। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इनपुट टाइप यहाँ पे ईमेल। नेम अगर आपको देना है दे सकते हैं कि ये ईमेल हो, अगर आपको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अगर फोकस करना है तो फोकस कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आ गया नेम, नेम के नीचे क्या आ गया, ईमेल। अब जैसे ही हम इसको ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, अब सबमिट करते हैं, पहला आया फिल आउट दिस फील्ड। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ फील्ड करते हैं। अब मान लीजिए हमने अपना ही नाम डाला, ठीक। अब यहाँ पे अब हम सबमिट करते हैं, अब ये दे रहा है प्लीज़ इंक्लूड एंड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, यानी आप एक वैलिड ईमेल एड्रेस करो जो एट द रेट से बना हो, क्योंकि ईमेल एड्रेस हम लोगों ने देखा है वो कितने बना होता है, एट द रेट से। तो यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल डालना होगा। तो जैसे हम लोग डालते हैं हेल्प बाइनरी टेक एट द रेट gmail.com। अब ये सबमिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यूज़र में तो आशीष है, ईमेल में हेल्प बाइंडी टेक एट द रेट gmail.com। तो ये होता है आपका फॉर्म वैलिडेशन। तो इनपुट टाइप हमने क्या रखा, ईमेल रखा, तो उसने क्या किया कि वैलिड ईमेल एड्रेस के लिए उसने कहा हमसे। अगर आप वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं डालते हो तो वो काम नहीं करता है। चले नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले एट्रीब्यूट में। अगला एट्रीब्यूट आपका जो है या टाइप है वो है नंबर, ठीक है। अब नंबर इनपुट टाइप में क्या होता है कि यह नंबर लेता है, इसके चार रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं, स्टेप दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मतलब कि उस फील्ड में हम केवल नंबर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें टेक्स्ट डालें या कुछ भी डालें। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने एक जनरल बना दिया नंबर, ठीक। इन्होंने नंबर कितना मिला है इनका, इनको नंबर कितना मिला हुआ है उसके लिए विषय में हम बात करेंगे। तो हम इनपुट टाइप में हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, नंबर नेम में हम यहाँ पे मान लीजिए क्या दे देते हैं,
नंबर, ये नंबर है ठीक। यहाँ पे भी हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, नहीं तो उसके बगल आ जाएगा। कंट्रोल या सेव करते हैं अल्ट टैब से, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे हम ए बी सी डी कुछ भी डालें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी हम लेटर प्रेस कर रहे हैं लेकिन लेटर वो आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक आ रहा है ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर डालते हो तो नंबर क्या होगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन ये फील्ड तो भरना है, चलिए भर दिया। ईमेल इसको ले लेते हैं। अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, नंबर में ये नंबर आया है ठीक। इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसके जो चार रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि ये दिखता रहे। हम वापस आते हैं अपने एडिटर पे। नंबर यहाँ पे पहली चीज़ हम देखते हैं वैल्यू। वैल्यू हम इसमें दे देते हैं कि डिफ़ॉल्ट उसमें शो हो 33। कितना शो हो, 33। अब हम आते हैं कहाँ पे, इस पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए 33 आपका दिख रहा है। अब यहाँ से आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ से आपका घटता जाएगा। तो ये है नंबर। अब हम चलते हैं इसके अगले उस पे, जो इसका अगला रिस्ट्रिक्शन है वो है मैक्स। मैक लेंथ आ गया। मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो जाए वो जाए 40, मिनिमम वैल्यू जाए 20 ठीक। मिनिमम क्या जाए, 20 जाए, मैक्सिमम क्या जाए, 40 जाए। और एक आपने और देखा स्टेप, स्टेप स्टेप। अब हमें कितने स्टेप फॉरवर्ड, जब हम इसको आगे बढ़ाएं, जो अभी हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है। चलिए हम चाहते हैं कि तीन तीन का एक इंक्रीमेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं आई टैब, वापस इसको हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आ गया वैल्यू 33। अब देखिए 35 हुआ, अब 3 बढ़ेगा। लास्ट में 2 बढ़ा था चूँकि 40 तक दिया, अब ये 40 के बाद नहीं जाएगा। अब इसमें 3 स्टेप अगर लेगा तो 41 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिया। इसी तरह अगर हम बैक आते हैं 35, 32, 29, 26, 23 और 20, यहाँ से उसने 3 का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 20 के नीचे आएंगे तो ये 20 के नीचे नहीं जाएगा। तो ये होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये स्टेप आप अपने से कर सकते हो। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, अब 2-2 के अंतर से ये काम करेगा ठीक। ये देख, यहाँ पे हम 2 के से नहीं कर सकते। अभी हमने 33 दिया था, अब ये 32 हुआ, 32 हुआ 34, 36, 38, 40। अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी तरह 20 तक नहीं जाएगा। अगर इसमें हम भरना चाहे 18, अब अगर हम यहाँ पे भर देते हैं 80, यहाँ पे हमने डाल दिया हेल्प बाइंडिंग। अब सबमिट करें तो ये ग्रेटर देन 20, इसको 20 से अधिक होना चाहिए। ये नंबर कभी भी 18 नहीं होता है, 20 से नीचे नहीं हो सकता। अगर हम यहीं पे हम 50 दे दें, अब हम सबमिट करें तो भी मैसेज आएगा कि मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 40।
इसको मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए या उससे कम। तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन, और इसी को बोलते हैं आपका नंबर एट्रिब्यूट। तो गाइज आपकी समझ में आ गया कि मैक्सिमम और मिनिमम इसके चारों रिस्ट्रिक्शन हमने आपको बता दिए। एक था डिफ़ॉल्ट, जो वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया 33। मैक्सिमम आपको बताया कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम हमने आपको बताया मिनिमम होना चाहिए। स्टेप आपको बताया कितने स्टेप आपको फॉरवर्ड जाने हैं। फिर हमको हमने वैल्यू तो बता ही दी। तो ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब अगला हमारा टाइप है डेट। क्या है? डेट। इनपुट टाइप हमें क्या देना है? डेट। अब हम जैसे डीओबी बनाते थे तो हमने आपको तीन तरीका बताया था, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा, एक आपको हमने बताया था कि इनपुट टाइप टेक्स्ट के द्वारा, और एक है आप डायरेक्टली इनपुट टाइप डेट डाल दीजिए तो आपका एक डेट पिकर बन जाएगा। तो ये जो डेट होता है वो क्या करता है, एक डेट पिकर बना देता है, कैलेंडर टाइप का बन जाता है, जिससे आप किसी भी ईयर में क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि BR यूज़ कर लेते हैं। एक और BR लगा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे लिखा DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इनपुट, सॉरी टैग तो हमने बनाया नहीं, इनपुट टाइप में हम यहाँ क्या देते हैं, डेट, और नेम में दे देते हैं चूंकि सर्वर को समझने के लिए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं DOB, हो गया। अब चलते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं। यहाँ भी एक BR लगा देते हैं, बगल में ही लटका रहता है ये। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए गाइस, ये आपका कैलेंडर बन गया। अब यहाँ पे आप किसी भी मंथ ईयर जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए 2040, 50, 60, 70, 7, आपको बैक जाना है तो आप बैक भी जा सकते हो, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहाँ से आपको लेना है। अगर आप इसे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम 8 तारीख को लेते हैं, तो 8 जुलाई 2020 मंथ के फॉर्मेट में, फिर डेट है, फिर ईयर है। ठीक, आपको सबमिट करना है, यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक, ये अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट कर, सॉरी 2 का स्टेप है तभी ये सबमिट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। यूज़र नेम आशीष, ईमेल helpbinditech@gmail.com, नंबर है आपका 32, डेट ऑफ बर्थ है 2020 साल, कोरोना काल, मंथ है जुलाई, और डेट है आपका 8, और सबमिट। ठीक, तो चलिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसको भी रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम करते हैं। अब मैक्सिमम ये जो ले, ये ले दिसंबर, वन 1990। ठीक, और मिनिमम ले यहाँ पे हम दे देते हैं दिसंबर 31, 2020। इसको हम सेव करते हैं, एडिट टैब करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
अब देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। ये ये ले नहीं रहा है, या तो हम कुछ फॉर्मेट में मिस्टेक कर रहे हैं, या तो यहाँ पे, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। नहीं तो फिर इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही देखा जाएगा। ये देखिए हो गया गाइस, थोड़ा सा फॉर्मेट में मिस्टेक था कि दिसंबर से हम लोग इसको ले सकते हैं, यानी ये 19 के नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये आपको मैक्सिमम में हमने क्या दिया था, 19, उससे ज़्यादा ये नहीं लेगा, तो 2020 वाले का तो बात ही नहीं होता है। ठीक है, अगर हम मिनिमम करते तो यहाँ से मतलब 31/12 के बाद यहाँ पे हम क्या कर दें, चलिए इसको हम कर देते हैं मैक्स और इसको कर देते हैं मिड, एम आई एन, इसको हम सेव करते हैं, अल्ट टैब, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें जो डेट आनी चाहिए, अब देखिए ये दिसंबर तक जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए 2020 के बाद इसमें कोई सन नहीं है, मतलब लास्ट वैल्यू हम इसकी जो चूज़ कर सकते हैं वो अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के बाद नहीं, 31 दिसंबर के बाद नहीं। और अगर इसी तरह अगर हम ईयर को बैक में जाएं तो हम 90 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक, 90, 90 में कौन सा मंथ, दिसंबर वाला मंथ ही केवल, दिसंबर मंथ तक के फर्स्ट से हम चूज कर सकते हैं, इसके बाद का नहीं। तो इस ढंग से आप अपने डेट ऑफ बर्थ में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है ना कि फॉर्म जो फिलअप करते हैं वो केवल 30 साल की उम्र तक ही, अगर मान लीजिए मांगा गया है 20 साल की उम्र, तो आज की डेट से वो 20 साल बैक का ही बनाते हैं। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ये होता है डेट का, और डेट में आप उसको रेंज कैसे दे सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, इनपुट टाइप में आपको लिखना है डेट, उसके बाद उसकी मिनिमम वैल्यू देनी है और मैक्सिमम वैल्यू आपको देनी है, मैक्सिमम वो कहाँ तक जाए और मिनिमम वो कहाँ तक जाए। ओके गाइस, अब अगला जो है, सॉरी, अगला एट्रीब्यूट जो है उस एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं, वो है रेंज। ठीक, तो रेंज ये देखते हैं, और इस क्लास की लास्ट एट्रीब्यूट, लास्ट टॉपिक है रेंज। ये कंट्रोल बना देता है, स्क्रॉल बना देता है कि इसकी रेंज हम लोग स्लाइडर बना देता है, स्लाइड करने के लिए जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से लेके 100 तक होती है। चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं।
यहाँ पे br लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, इनपुट टाइप में रेंज, यहाँ पे भी हम क्या दे देते हैं, रेंज। कंट्रोल या सेव करते हैं, वापस इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इंटर कर। ये देखिए ये रेंज है आपकी, ये ज़ीरो है, ये 100 तक है। इसके हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पे यूज़ किया था नंबर में, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं मिनिमम, मिनिमम इसका 10 हो, मैक्सिमम हो 80, इससे अधिक वो स्लाइडर ना जाए। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये 10, अब ये 50 से है, अब इस 10 से ही इसका रेंज लेके चलता है, ठीक, और मैक्सिमम 80 तक गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आप दे सकते, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसका दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या दे सकते हो, वैल्यू लिखोगे, वैल्यू में हमने आप 5 दे दिया। अगर आपको स्टेप देना है तो स्टेप आप दे सकते हैं, स्टेप में हमने 2 दे दिया। सेव करते हैं, अल्ट टैब, रिफ्रेश, ये। अब इसमें अगर हम सेव करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं, इसको हम 32 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, यहाँ पे कोई डेट एक चूज़ कर लेते हैं, चलिए ये चूज़ कर लिया, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ये। अब सबमिट करते हैं, अब ये देखिए रेंज में इसकी वैल्यू क्या है जानते हैं, 24 यहाँ पे लिख के दिया ना कि ये 8 जुलाई 2020 की बात है, बाकी नाम नंबर है, ये नंबर 30, डेट ऑफ बर्थ भी है, रेंज इसकी क्या है 24, वो जो मैंने क्लिक किया था वो क्या था, 24 था। तो गाइस आज के लिए आपका ये ट्यूटोरियल यही ख़त्म होता है, जिसमें आपने कंप्लीट HTML सीखा, और जिसके सारे टैग एट्रीब्यूट हमने आपको डिस्क्राइब किए। HTML में बहुत सारे टैग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बेहतर नॉलेज के लिए आप सर्च भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी आपके टैग पूछे जाते हैं, सारे टैग सारे एट्रीब्यूट को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, और आपके एग्ज़ाम पेपर में भी क्वेश्चन इसी ढंग के बनेंगे कि किस टैग का क्या यूज़ होता है, उसके एट्रीब्यूट कौन से हैं, ठीक, या उसके बारे में लिखना हुआ, या आपको कोई चीज़ें यहाँ पे जो आपके थ्योरेटिकल नंबर्स होंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा ओ लेवल का, जो 15-15 नंबर क्वेश्चन आएंगे, आपसे फॉर्म बनवा सकता है, आपसे टेबल बनवा सकता है, आपसे इमेज बनवा सकता है, इमेज का लिंक बनवा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। रही बात जो आपकी टैग के है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो आपके टैग से पूछेगा, जैसे बोल्ड टैग क्या करता है, कंटेंट को बोल्ड करना है, या आपसे पूछ लिया कि डेट टाइप क्या है, तो ऐसे आपसे पूछना कि अगर हमें कोई डेट पिकर उठानी है तो हम कौन सा टाइप इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट, डेट, तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम सॉल्व कराएंगे, और यहाँ से आपका कंप्लीट HTML ख़त्म होता है। गाइस हम संभवतः इसका आपको एक PDF फाइल देंगे, जो आपका पूरा HTML रहेगा, जितने टैग आपने पढ़े हुए हैं, जितने भी एट्रीब्यूट आपने पढ़े हुए हैं, वो सारे एट्रीब्यूट हमने आपको दिखाया। बाकी वीडियो में आपको हमारे कैसे हमने यूज़ किया हुआ है, वो सारी चीज़ें एक एक एक्सप्लेन भी की हुई है, तो आप लोग उससे देख के, इससे पढ़ के आपका नोट्स कंप्लीट मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में
क्या होगी, आपको सुविधा होगी। और गाइस ध्यान रखिएगा कि जितना आप इसको प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आप एग्जाम की दृष्टि से प्रिपेयर होगे, साथ ही साथ डेवलपमेंट स्किल को इम्प्रूव करोगे। गाइस कोई आपको रटाएगा नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बना सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा जो HTML लैंग्वेज है जो कि आपके सोच पे डिपेंड करती है। इसमें ना हमें कैपिटल से मतलब है ना स्मॉल से मतलब है, हम आगे चल के बात करेंगे तो वहाँ पे केस मेंशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना टैग हमने आपको बताया है रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा जिसमें आप मैसेज के थ्रू, 8 से 2 आप कॉल नहीं मत कीजिएगा, 8 से 2 कॉल मेरा ऑफिस टाइम होता है। उसके बाद अगर 8 से 2 में कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज आप हमको 2 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइंडी ट्यूब प्रयागराज। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो सारे लिंक आपके सामने हैं। ये हमारे वेबसाइट का लिंक है bindingtube.in, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको उस पर यूट्यूब पर मिलेगा, bindingtube प्रयागराज सर्च करो। और हमने जो ऐप लॉन्च किया हुआ है, हमारा जो ऐप है वो भी आपको प्ले स्टोर पर bindingtube प्रयागराज के नाम पे मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग स्टडी कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। इसी बेस्ट विशेष के साथ HTML की क्लास ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास अब हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे और CSS को पढ़ेंगे कि अब कैसे हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं और इतना लंबा कोड हमें ना लिखना पड़े। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग bindingtube प्रयागराज।